अगली खबर की ओर। कई साल के मुकाबले इस साल गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ गर्मी के कारण आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं गर्मी का असर अब आर्थिक जीवन पर भी पड़ने लगा है। सब्जियों और फलों महंगे होने से रसोई का बजट भी गड़बड़ाने लगा है। ग्राहकों के साथ साथ सब्जी फल विक्रेता भी परेशान है। एक तरफ जहां सब्जियां महंगी होने से ग्राहकों की संख्या घटी है, वहीं बढ़ती गर्मी के साथ सब्जियां और फल भी खराब होना शुरू हो गए हैं, जिससे सब्जी विक्रेताओं को रोजाना काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए विक्रेताओं द्वारा उन पर गीली बोरियां रखी जा रही हैं और वे बार बार पानी का छिड़काव का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंडी में मौजूद सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस साल काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिससे मंडियों में ग्राहक भी कम आ रहे हैं और साथ ही गर्मी के कारण उनकी सब्जियां भी खराब हो रही हैं। सुबह वह जब सब्जियां खरीद कर लाते हैं, उनसे कुछ सब्जियां शाम होते होते खराब हो जाती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कई बार तो सब्जियों को लागत निकालना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दुकानदारों ने बताया कि सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए पानी का छिड़काव और गीली बोरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंबाला से निखिल शोक्ति की। नाम सोनू है, सब्जी मंडी मानव चौक पे काम करते हैं। सब्जियों का ऐसे सब्जियों के ऊपर प्रभाव है कि गर्मी के कारण सब्जियां डेली मतलब की इतनी कॉस्ट लगाने के बाद भी सब्जियों के पैसे पूरे नहीं हो पाते। गर्मी के कारण सारा दिन पानी का छिड़काव होता है, उसके बावजूद भी सब्जियों में लॉस ही हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। कि गर्मी का आलम ऐसा है कि जैसे टेम्परेचर 45, 47, 50 के बहुत चल रहा है, तो हम तो भगवान से ये दुआ करें जल्दी से जल्दी बारिश हो और गर्मी से हर प्राणी को, पशु पक्षी या दुकानदार हैं कोई भी है, उनको गर्मी से राहत मिले। और मेरी और एक प्रार्थना है कि जो भी पशु पक्षियों के लिए अपने घरों के बाहर पानी के कटोरे, पक्षियों के लिए या जानवरों जो बेजुबान है उनके लिए पानी की व्यवस्था भी हर जगह की जाए।